Viewer, in this video I will show you how to create student ID card in Microsoft Word 2019 like this one. तो आइए शुरू करते हैं. Create a new document by clicking on file, then new, then click on blank document. फिर इसके बाद margin आप सेट करें, size पर आप चले जाएं, यहाँ से more paper sizes पर आप क्लिक करें, width और height यहाँ से change करें. विड्थ आप सेलेक्ट करें 3.78, हाइट 2.2 इंचेस. देन गो टू इंसर्ट टेप. शेप आप इंसर्ट करें, दैट इज़ रेक्टेंगल शेप. टॉप कॉर्नर आर राउंडेड, यहाँ पर आप क्लिक करें. इसको लेफ्ट साइड पर आप एडजस्ट करें. फिर इसके बाद इसकी हाइट और विड्थ यहाँ से सेट करें. हाइट आप सेलेक्ट करें, दैट इज़ 0.4, और वेट आप सेलेक्ट करें, दैट इज 3.78. देन गो टू शेप आउटलाइन, सेलेक्ट नो आउटलाइन. शेप फिल से कलर आप सेलेक्ट करें, दैट इज़ रेड कलर विल बी 68, ग्रीन विल बी 114 एंड ब्लू विल बी 196 एंड देन क्लिक ओके. इसकी काफ़ी मैं लेता हूँ बाय होल्डिंग कंट्रोल की. इसको आप ड्रैग करें नीचे की तरफ. फिर इसके बाद यहाँ से साइज़ सेलेक्ट करें, हाइट आप चेंज करें, दैट इज़ 0.1 इंच, और इसको आप रोटेट करें फ्लिप वर्टिकल, और इसको आप बिजनेस कार्ड के बॉटम साइड पे आप एडजस्ट करें. यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं स्टूडेंट आईडी कार्ड. इसके अलावा यहाँ पर आप स्कूल या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नेम भी आप टाइप कर सकते हैं. फ़ॉन्ट साइज़ आप इंक्रीज़ करें. इसके अलावा फॉर्मेट टैब पर आप चले जाएं, और इसके लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम मार्जिन आप 0 सेलेक्ट करें. पेज का कलर मैं चेंज करना चाहता हूं. गो टू डिज़ाइन टैब, क्लिक ऑन पेज कलर, मोर कलर पर आप क्लिक करें, और यहां से पेज कलर आप सेलेक्ट करें. यहां से रेड आप टाइप करें 242, green will be also 242 and similarly will be the blue one. Now create a rounded rectangle shape. Go to insert, select rounded rectangle shape. यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा. यहाँ से मैं हाइट एंड वेट चेंज करता हूँ, दैट इज़ 1.07 हाइट एंड वेट विल बी 0.87. Now go to shape fill, select picture. इस पिक्चर को आप एडजस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग एरो कीज. और फिर इसके बाद पिक्चर के राइट साइड पे एक टेक्स्ट बॉक्स आप इंसर्ट करें. यहाँ पर इसको मैं ड्रा करना चाहता हूँ. इसके शेप फिल कलर मैं सेलेक्ट करता हूँ नो कलर. शेप आउटलाइन विल बी नो आउटलाइन. यहाँ पर मैं टाइप करना चाहता हूँ नेम. फिर इसके बाद फादर नेम एंड देन टाइप योर क्लास, और इन द सेम रो टाइप योर रोल नंबर. आफ्टर रोल नंबर टाइप योर एड्रेस. इसको आप सेलेक्ट करें, लेआउट टैब पर आप चले जाएं. स्पेसिंग आप यहां से रिमूव करें, मतलब ज़ीरो स्पेसिंग आप यहां पर सेलेक्ट करें. इसके अलावा जो एरर हो उस पर आप राइट क्लिक करें, इसको आप दुरुस्त कर सकते हैं. इसके अलावा एड्रेस आप टाइप कर सकते हैं. यहाँ पर मैं एड्रेस टाइप करना चाहता हूँ. एंटर की आप प्रेस करें बाय यूजिंग स्पेस की. इसको आप राइट साइड पर आप ले जाएं. सिमिलरली द थर्ड वन लाइन. एंटर की आप प्रेस करें बाय यूजिंग स्पेस की. इसको आप राइट साइड पर आप ले जाएँ. इसके अलावा हेडिंग के लिए अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हैं. इंसर्ट टैब पर आप चले जाएं. यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स आप ड्रा करें बिलो द पिक्चर, और यहाँ पर टेक्स्ट आप ऐड करें, दैट इज़ प्रिंसिपल सिग्नेचर. इसके शेप फिल नो फिल, शेप आउटलाइन नो आउटलाइन सेलेक्ट करें. इसके प्रॉपर्टी पे आप चले जाएं. गो टू शेप स्टाइल प्रॉपर्टी, और इसका लेफ़्ट मर्जन, राइट मर्जन, टॉप बॉटम मर्जन आप ज़ीरो सेलेक्ट करें। इसको थोड़ा सा रीसाइज़ करें। इस टेक्स्ट बॉक्स का आप एक कॉपी ले लें बाय होल्डिंग कंट्रोल की। राइट साइड की तरफ इसको आप ड्रैग करें। यहाँ पर मैं बारकोड इसमें टाइप करना चाहता हूँ। इससे टेक्स्ट में डिलीट करता हूँ। देन गो टू होम टैब। फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट करें, दैट इज़ बारकोड फ़ॉन्ट। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल करें और फिर इसके बाद कीबोर्ड से आप बारकोड आप टाइप करें। इस टेक्स्ट बॉक्स को आप रीसाइज़ करें और इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं इंक्रीज़ करता हूं, दैट इज़ 20 और 22। इसके अलावा इस टेक्स्ट बॉक्स को आप रीसाइज़ करें और इसको आप अलाइन करें प्रॉपरली। तो व्यूअर, इसी तरीके से आप एक प्रोफेशनल स्टूडेंट आईडी कार्ड क्रिएट कर सकते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।